हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक टाइप का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। एंड लेट अस सी कि वो किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम स्क्वायर क्यों पड़ा। उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इसका नाम स्क्वायर है, नहीं तो हम इसको कुछ और क्वाड्रिलेटरल का नाम भी रख देते। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से उसका नाम स्क्वायर पड़ा है, या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका नाम क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ स्क्वायर। हम उसके लिए एक स्क्वायर बना लेते हैं। एंड वी विल नेम इट एज ए बी सी डी। ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम उसको एक इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सारी साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये सारी साइड्स 5 5 5 5 हो जाएंगी। सेकेंड है ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे रेक्टेंगल में होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम में होती है, रोम्बस में होती है, ओपोजिट साइड्स इक्वल तो होंगी। अब ये तो ऑटोमेटिकली सारी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ओपोजिट भी तो इक्वल होंगी, ये तो अंडरस्टूड है। और ओपोजिट क्या भी होती है, पैरेलल होती है, ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। कहने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई है, और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई। ये यहाँ पे जो सिंबल्स हैं इनसे भी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कौन सी दो लाइन आपस में पैरेलल है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल आते हैं, पैरेलल हो गई। नेक्स्ट आती है बात डायगोनल्स की। लेट अस ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल्स बना देते हैं। जब हम ओपोजिट वर्टिसेस किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके डायगोनल्स हो जाते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया डायगोनल्स का, कि डायगोनल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं। तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कैसे, जो ए सी है और बी डी है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आती है बात डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यहाँ पे दो बातें आ गई हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, और यहाँ पे बाइसेक्टर भी आ गया। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, और बाइसेक्टर मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहे हैं। मींस ये जो डायगोनल है ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो डायगोनल है इसके इक्वल है, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल है। और कहने का मतलब दूसरी बात ये भी है, इट इम्प्लाइज दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये जो ए ओ है किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, और जो बी ओ है वो ओ डी के इक्वल है। और दिस इम्प्लाइज दैट कि ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये अगर ये डायगोनल 6 है तो ये भी तो 6 है ना। अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये तो ऑटोमेटिकली भी सारे आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू OD। ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर्स की, लेकिन यहाँ पे वर्ड परपेंडिकुलर भी आ रहा है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
परपेंडिकुलर मींस ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे आपस में भी इक्वल हैं। परपेंडिकुलर है कि मींस जो डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स कितने हो गए, 90 90 90 90 हो गए। तो वी विल राइट इट इन द मैनर ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू डी ओ सी is equals to COB is equals to angle AOB और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये मतलब हो गया परपेंडिकुलर का कि ये सारे जितने भी एंगल्स है ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अब बात आती है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर की, स्क्वायर के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले ये सारे ये सब भी 90 डिग्री होते हैं। ये एक 90 डिग्री हो गया, वी हैव अ प्रूफ फॉर दिस, तो वी विल बी स्टडिंग द प्रूफ इन द हायर क्लासेस। तो यू विल जस्ट हियर वी विल जस्ट डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज। अगर एक एंगल 90 है तो ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे, क्यों, कोइंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, ये लाइन पैरेलल है ये भी पैरेलल है, वी कैन ट्रीट ए बी एज अ ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180, एक 90 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 90 है तो यहाँ पे फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, यू विल गेट दिस आल्सो एज 90। सिमिलरली ऑल द फोर एंगल्स विल बी 90 डिग्री, सो विल बी राइटिंग इट एज फिफ्थ, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं स्क्वायर के ये सभी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू ऑल।